ओम शांति। इस तपस्या भट्टी में आप सब आए हैं एक लगन लेकर के कि हम सब अच्छे योगी बन जाएं, है ना? ऐसी लगन कि हमें अच्छे से अच्छे बाबा के साथ के अनुभव हों, ये अनुभवों की भूख बहुत अच्छी भूख है, लगी रहनी चाहिए। ये भूख और भड़का दो, जिसको ना लगी हो या कम लगी हो वो अभी अपने साथ ही अच्छा संकल्प कर लो कि मैंने इस संगम युग पर योग के अच्छे से अच्छे अनुभव करने, मैंने अनुभवों की खान बनना, मैंने अच्छा तपस्वी बनना। कईयों के दुनिया में कई अरमान होते हैं जो पूरे नहीं होते, किसी की पढ़ाई के कोई अरमान थे वो नहीं पूरे कर सके, किसी की कमाई के थे, किसी के और परिवार की बातों के अरमान थे जो पूरे नहीं हुए, उसका अंदर एक जख्म रह जाता। वो सारे जख्म ठीक हो जाएंगे अगर ये अरमान रख लो। आज बाबा ने बाकी कामनाओं के लिए मना किया, क्योंकि कामनाएं संतुष्ट और प्रसन्न रहने नहीं देंगी। पर ये जो कामना ना, ये कामना बाकी कामनाओं को ख़त्म करेगी, उसकी रिप्लेसमेंट है। अभी अभी अंदर सारे घोट के पक्का डाल दो। क्या डालना है? मैंने नंबर वन तपस्वी बनना है, अंदर डाल दो पक्का। मैंने योग के अच्छे से अच्छे अनुभव करने हैं। दिल कर रहा है सबका? हाँ करने हैं, हाँ करने हैं। ऐसे जिसके दिल से आ रहा है वो हाथ खड़ा करो। हाँ मैंने करने हैं, हाँ मैंने करने हैं। क्योंकि ये हमारी मंजिल है। सिर्फ ब्राह्मण जीवन की ही नहीं, लेकिन आम सारे मानव जीवन की। हर मनुष्य तब तक यहाँ वहाँ भटक रहा है, दुखी हो रहा है, जब तक उसने अंदर के ये मीठे अनुभव नहीं किए तब तक भटकाव है। जब ये अनुभवों के दरवाजे खुल जाते हैं ना, सारा भटकाव खत्म। किसी भी तरह का, चाहे ज्ञानी का चाहे अज्ञानी का, तृष्णाएं भटका रही हैं, कामनाएं भटका रही हैं। अब हमारे में से कोई भी भटकना नहीं चाहता तो बाबा ने हमारी तीसरी आँख तो खोल दी है। तीसरी आँख को बोलते हैं ज्ञान का नेत्र। वो खोलती, जैसे आँख खुलती है ना, समझो ये आँख बंद है, पता नहीं कहाँ हूँ, खुलते ही अच्छा ये हॉल इतना बड़ा है, इतने लोग बैठे हैं, ये कलर है, ये डिज़ाइन है, सब दिखाई पड़ता है, आँख खुल गई। ऐसी तीसरी आँख ज्ञान से खुलती है, यानी उससे पता चल जाता है हम असल कौन है, बाप कौन है, घर कहाँ है। अब संगम युग पे करना क्या है? जो करना था वही कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं? सब पूछो अपने आप से। इस संगम युग पर मुझे जो करना चाहिए वही कर रहा हूँ, कर रही हूँ, या कुछ फर्क है? नोट करो सब। जो करना चाहिए वही कर रहे हैं
या ऊपर नीचे है कुछ, फिर लिखो कितना ऊपर नीचे है, नहीं तो मन में सोचो, क्योंकि जो करना चाहिए अगर वही करेंगे तो अपार खुशी होगी। अगर कुछ आगे पीछे कर रहे होंगे तो खुशी बहुत दूर दिखाई पड़ेगी कि अभी चाहिए चाहिए चाहिए, और उस खुशी को पाने के लिए सड़कें बदल लेंगे, ठीक राह पर श्रीमत की राह पर चलने के बजाय मान शान तेरी मेरी दिखावा, कई तरह के सुख सुविधाएं प्रलोभन, उसमें भटकाव होगा। चेक करो हमने सड़क ठीक पकड़ी हुई है, ठीक श्रीमत की सड़क पे चल रहे हैं, या सुबह सुबह मुरली टाइम बाबा 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 मुरली पूरी होते ही तेरी मेरी इस संसार में तो नहीं चले जाते, देखना पड़ेगा ना, रोड मैप देखना पड़ता है, कार चलाओ ना देखना पड़ता है, आगे का शीशा भी पीछे का भी, पीछे से तो नहीं कोई टक्कर मार रहा, आगे तो नहीं कुछ गलत रास्ता पकड़ लिया, दोनों देखना पड़ता है ना, तो चेक करो। चेक करके अब रास्ता ठीक पकड़ो, अभी से भट्टी है ना, भट्टी का मतलब होता है ठीक पटरी पे चढ़ जाओ, अगर दाएं बाएं उतर गए थे ना, अब ठीक आ जाओ वापस। ठीक आना मतलब तीसरी आंख खोल के चलना, जिसमें लगातार दिखता रहे मैं कौन, मेरा कौन, करना क्या है और कैसे करना है, बस ये विधि ठीक हमें दिखाई देती रहे, ये तपस्या। आज सुबह आपको टॉपिक बताया हमने राजयोग की विभिन्न अवस्थाएं, एक होती है जो मुख्य अवस्थाएं हम बोलते हैं, रूरियान, मनन चिंतन, फरिश्ता, बीज रूप। आज मैं थोड़ा अलग शब्दों में आपको सिंपल करके बताऊंगी, बात वही है लेकिन एकदम सरल तरीके से, जो आपको आसानी से याद रह जाए, पच जाए। योग की पहली अवस्था है मैं कौन, पहली अवस्था मैं को जानना मानना, उसमें टिक जाना, यह योग की पहली अवस्था। सारा दिन मैं के ठीक अर्थ में जाना, नहीं तो ये मैं के उल्टे अर्थ पूरा दिन चलते रहते हैं, मैं फलाना मैं फलानी, जो हमारी एक्टिंग के लिए मिला हुआ है, वो तो सारा कुछ एक्टिंग है ना, तुम माता जी हो, तुम पिताजी हो, बेटा जी हो, बेटी जी हो, राजपूत हो, बानिया हो, पंजाबी हो, हरियाणवी हो कि राजस्थान, ये सब क्या है, ये असली मैं है कि नकली। तो सारा दिन कौन से वाली मैं में जीते हैं, नकली में। मैं दादाजी बन गया, हल्लो अच्छा, अभी भी जो बने होंगे ना वो मुस्कुराने लग जाते हैं, हाँ भाई बन गया, दीदी को कैसे पता, और कोई पॉइंट याद रहे ना रे बाद में आके सुनाएंगे, दीदी आप ऐसे कहा था ना, मेरी बात थी। स्थूल बातें, स्थूल पहचान, बुद्धि जल्दी पकड़ के घूमती रहती है, मैं फलाना, या संबंध याद रहेगा, या जो कारोबार करते हैं वो याद रहेगा, या जो उसमें ऊपर नीचे हुआ होगा वो याद रहेगा, ये सारी तो झूठी मैं है ना, और इस मैंने मारा सारा, इस मैंने असली मैं से हमको दूर कर दिया है। तो असली वाली मैं को घुटना पड़ता है, बहुत पीटना पड़ता है, जल्दी नहीं आती है वो वाली मैं। एक बार चक्रधारी दीदी ने सुनाया कि दादी जानकी के साथ वो कुछ दिन रुके हुए थे, देखा
बाकी सब लोग आ रहे जा रहे, कुछ कारोबार कर रहे, दादी एक कोने में अकेले बैठे। कहते मैंने पूछा, दादी आप क्या कर रहे हैं? जवाब सुनो दादी का। कहते अपने को पीट रही हूँ। वे कैसे पीट रही हूँ? घोट रही हूँ। क्या घोटना क्या पीटना? देह भान उतार रही हूँ, ये घोट पीट रही हूँ। बैठ बैठ के बार बार अपने को घोटो, अपने को पीटो। कौनो तुम, कौनो 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 कौनो। ब्रह्मा बाबा को जैसे ही समझ आया, तुम आत्मा हो, अरे बाबा तू दीवाना हो गया। लिख लिख के सालों डायरियां भर दी, मैं कौन मैं कौन मैं कौन मैं कौन मैं कौन, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। लिख लिख के डायरियां भर दी। क्या जरूरत थी? आदि पिता ब्रह्मा सेकंड में समझ आ जाता है, भाई आप आत्मा हो। देवान जल्दी नहीं पीछा छोड़ता, कई जन्मों से चिपका पड़ा ही शरीर। शरीर की पहचान को मैं मानना, यही तो सबसे बड़ी भूल थी। और ये भूल बाबा का बन जाने के बाद भी ठीक हुई है। दादी जानकी कहते मैं लंदन में थी, एक भाई आया, कहता कोर्स तो करूँगा पर दादी से करूँगा, जयंती बहन से नहीं करूँगा। दादी ने कहा अच्छा, मेरे से कोर्स करेगा तो मैं तो आत्मा का पाठ ही एक महीना पढ़ाऊँगी। 7 दिन का कोर्स करना तो जयंती से कर ले, और मैं तो आत्मा का ही एक महीना पढ़ाऊँगी, ऐसे करना तो मेरे से कर ले। क्यों? आत्मा ही नहीं समझा तो बाकी क्या समझा? तो हर एक चेक करो इस विषय को कितनी गंभीरता से लिया है, कितना इसको टाइम और मेहनत दी है, और चेक करो पूरे दिन में ऐसा अपने को आत्मा समझ पाते हैं जो बाबा ने कहा हुआ है, बच्चे देह भी याद ना आए, देह भी भूल जाए, क्या ऐसा आत्मा समझ पाते? उसका मिसाल आत्मा समझने का मम्मा बाबा, मम्मा 24 जून को शरीर छोड़ा, जून मास आज मम्मा मास शुरू होता है। कहते जिस दिन मम्मा ने शरीर छोड़ा उस दिन अंगूर उतरे थे, अंगूरों की बेल की पहली फसल उतरी थी, और मम्मा ने उस टाइम पर 200 भाई बहने थे वहाँ जिनको अंगूर दिया अपने हाथ से, दृष्टि देख। कैंसर था मम्मा को, ब्लड कैंसर का पेशेंट, जो कुछ मिनटों बाद शरीर छोड़ने वाला है। उन दिनों उसका इलाज नहीं होता था, उसकी शरीर की पीड़ा का कोई अंदाज नहीं लगा सकता कि किस हद तक की पीड़ा होगी, और मम्मा के चेहरे से किसी को समझ नहीं आया कि इतनी पीड़ा में भी मम्मा इतनी सेवा कर रही है। ये है आत्मिक स्थिति, क्या ऐसा आत्मा समझा है कि देह की असुविधाएं, जहाँ देह को कष्ट होता है उसका यहाँ पे असर ना आए। इस देह की भूख प्यास सर्दी गर्मी दर्द वो मन में ना घुस जाए, क्योंकि याद है मुझे मैं आत्मा हूँ, शरीर नौकर है। अब नौकर की असुविधाओं का मालिक पर कितना असर होता है? कोई मालिक को बैठ रोते देखा क्या कि हाय मेरे नौकर के पैर में चोट लग गई है? रोते देखा कभी? तो शरीर भी तो नौकर है ना। इसकी असुविधाओं का असर यहाँ ना आए। एक बार मम्मा का हाथ दरवाजे में आ गया, जोर से मम्मा के मुंह से निकला, आए हल्का सा निकला,
बाबा ने सुन लिया। बाबा ने बुलाया, बच्ची इधर आओ। क्या करना चाहिए था जिसका हाथ दरवाजे में आया हो, उसको बुला के क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे? बाबा ने कोई पेटिंग नहीं दी, कोई हालचाल नहीं पूछा, दर्द हुआ जाता, चोट तो नहीं लग, कुछ नहीं। बच्ची ये जो तुम्हारे मुंह से आवाज निकला ना है, आज के बाद कभी नहीं निकलना चाहिए। और उसके बाद मम्मा के मुख से दर्द का आवाज कभी किसी ने नहीं सुना, इतनी शारीरिक पीड़ाओं के बावजूद भी मम्मा का चेहरा मुस्कुराता था। ये है आत्मिक स्थिति। इस स्थिति के बिना हम बाबा से कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि बाबा निराकार है, बाबा को शरीर का चमड़ा लगा नहीं है। जब तक इस चमड़े के मैं की अंदर बदबू बैठी है, तब तक बाबा अंदर आके बैठता नहीं है, वो मिलन की फीलिंग नहीं आती है। इसीलिए योगी के लिए नियम बनाए हैं, शुद्ध अन्न खाओ, अमृत वेला उठो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, ट्रैफिक कंट्रोल करो, नमः शाम करो, रात सोने से पहले अभ्यास करो, जल्दी उठो। क्यों? क्यों? क्योंकि ये शरीर को डिसिप्लिन आए, जो शारीरिक आराम परस्तियाँ हैं, इंद्रियों के सुख है। आम मनुष्य तो घूमने करने यहाँ जाएंगे, खाऊं 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 में चले जाएंगे, पिज़्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ, गंद मन सब ये खाओ, नॉनवेज खाओ, शराब पियो, तो सारा क्या है, जीभ का मजा ले रहे। और हम योगी नहीं, भोग लगा हुआ, शुद्ध भोग ब्रह्मा भोजन खाते, बस शुद्ध खाओ, देहभान से न्यारे। तो पहला पाठ है योगी के लिए, देह और देह भान और देह की सुविधाओं से न्यारा। ऐसा देखूं देखूं देखूं, ऐसा सुनो सुनो सुनो, ऐसा खाऊं खाऊं, ये सारा तो देह अभिमान है ना। चेक करो कहीं सारा दिन हम योगी होने के नाम पर भी ये खाऊं पहनूं सुनूं में तो नहीं घूम रहे। देखना पड़ेगा ना कि सारा दिन मुझे याद है आज क्या खाया, आज क्या खाना है। कोई जाके यहाँ से भट्टी करके जाएंगे, कैसी रही भट्टी, खाना बड़ा स्वाद था, लो ये हो गई भट्टी। इसका मतलब जितना देह अभिमान का भूत चढ़ा के गए थे उतने समेत वापस आए हैं, जर्रा फर्क नहीं पड़ा, वो जीभ पाल के आ गए हैं और जीभ का अनुभव सुना रहे हैं। यहाँ वाला अनुभव किया ही नहीं जो सुनाए, यहाँ वाला करे तो यहाँ वाला भूल जाए, भूल जाए क्या खाया था, क्या खाना है। ऐसे नहीं कमरे में जाके भी वर्णन कर रहे हो, खाने में ये चीज़ थी ना, आज मेरा दिल कर रहा था और खाऊं। तो ये नौकर पाल रहे हैं सिर्फ, योगी है योगी, देह की याद भूल, देह की महसूसता भूल। अब देख रहे हैं पिछले एक महीना से मुरलियों में बाबा की ललकार है। आज पत्र पुष्प में भी कहा, बच्चे देह अभिमान को छोड़ो, देही अभिमानी बनो, आत्मा मैं हूँ, आत्मिक सुख के वर्णन में जाओ, मैं आत्मा। आपस में मिलते हो तो वर्णन करते हो, आज आत्मा फील करने में इतना आनंद आ रहा था, जरा नहीं दिल कर रहा था देवभान में आने में, मैं ऐसे खाना बना रही थी ना तो भी लग रहा था कोई गाड़ी के पहिए चला रही हूँ, मेरे को यहाँ बिंदी बिंदी फील हो जा रही थी, ऐसे लाइट लाइट फैल रही थी, मुझे दूसरे के माथे पे भी ऐसे लाइट लाइट लग रही थी, ऐसा सुख आ रहा था जो जी कर रहा था खाना भी नहीं खाऊं। क्या शरीर को इतनी ज़रूरत थोड़ी है, ये तो थोड़े से पेट्रोल से पूरा चल पड़ता है, इसको तो नौकर की तरह चलाना है। ऐसा वर्णन करते हो आपस में,
या खाऊं पहनूं का वर्णन करते हो कि मेरे कमरे में गर्मी है तेरे में है क्या, ऐसा वर्णन करते हो। जब ऐसी भाषा बोलती हूँ ना, देवभान की सारे एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। क्यों? आत्मा वाली बात सुन के देख के मुस्कुराते नहीं है, इसका मतलब होता है हाँ हम ऐसे ही करते हैं। पहला कदम राजयोग का चला भी है अभी कि नहीं? मैं कौन शुद्ध आत्मा, मैं कौन प्रेम स्वरूप आत्मा, मैं कौन शक्तियों का सूर्य आत्मा, मैं कौन, मैं एक सुखदायी आत्मा, मैं कौन ज्ञान स्वरूप आत्मा, मैं कौन शिव बाबा का बच्चा आत्मा। पहले आत्मा होना पड़ेगा। आज से 25 जून तक आप सब एक काम करना, सब करना, प्यार से करना। रोज 2 पेज लिखना। पहला पेज लिखना, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। लिखते लिखते यहाँ सितारा और शुद्धि फील करते जाना। लिखते लिखते पेज पूरा होते होते ऐसे लगना चाहिए चमड़ा उतर गया, हड्डियाँ उतर गई, सितारा बच्चा लाइट के शरीर में। दूसरा पेज लिखना, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। लिखते लिखते स्पीड स्लो होती जाए, सितारे पर ध्यान बढ़ता जाए, और लिखते लिखते ऐसा ध्यान यहाँ टिक जाए जो पेन छूट जाए, ऐसा एकाग्र जो लगे ये कोई अलग चीज़ लटकी पड़ी है, मैं हूँ ये जगमग जगमग अविनाशी बिंदु। तीसरा पेज भी लिखेंगे आप, क्योंकि ये जो पहला कदम है राजयोग का वो है एक तो आत्मा देह भूल, दूसरा है देहधारियों को भूल। हर एक अपने मन बुद्धि का पिटारा खोल के अगर देखे तो हर एक के अंदर कोई देहधारी लटका है, जिसके पीछे मेरा मन बुद्धि दौड़ता है, चाहे तो वो मेरा बहुत प्यारा या फिर मेरा विरोधी है। दोनों के पीछे मन भागता है, चिपक जाता है जाकर के, नफरत में भी लगाव होता है, लगाव तो बहुत खतरनाक है वैसे भी। हर एक के अंदर चमकता है कोई ना कोई देहधारी, जिसके लिए लगता है फलाने के बिना नहीं चलेगा, फलाना तो चाहिए ही चाहिए, उसको कुछ हो गया मेरे को कुछ हो गया। जिनकी जान तोते में, तोते की गर्दन मरोड़ी जिनकी जान गई, ऐसे कईयों ने अपनी जान कई तोतों में डाली हुई है। देखो कौन सा तोता है वो जिसमें आपने अपनी जान डाली हुई है। हर एक ने कुछ न कुछ लटका के रखी होती है, उसके नाम पर रोज एक पेज लिखना। फलाना एक आत्मा है। ब्रजेंद्रा दादी ने बताया था कि ब्रह्मा बाबा सबके लिए डायरी लिखते थे, जितने संबंधी थे, निर्मल आत्मा है, निर्मल आत्मा है, नारायण आत्मा, पूरी डायरी भरते थे ताकि उनकी देह से बिल्कुल प्रीत निकल जाए कि ये कोई मेरे लौकिक संबंधी हैं या अपने हैं। ऐसा लिखो उनके नाम पर, लिखते लिखते उनका सितारा दिखे, फिर उनका चमड़ा उतर गया, फिर हड्डियों का ढांचा भी उतर गया, वो सितारा बचा, उनका शरीर
ओम शांति हो गया, आत्मा पंछी उड़ गया, मैं खुश हूँ। ठीक है, लिखेंगे। ये दूसरा काम थोड़ा मुश्किल है, जिससे लगाव होते हैं ना, लगाव वाले के लिए पता क्या बोलते होते हैं, तू ना मरे मैं मर जाऊँ, तुझे कुछ ना हो मुझे जाए हो जाए। प्रैक्टिकल बात और है, पर भाषा ऐसी बोलते है। जब तक कोई देहधारियों से ऐसी गहरी प्रीत है, क्या बाबा की याद एक्यूरेट आएगी या कच्ची पक्की आएगी? एक्यूरेट लगन नहीं लगती, दीवाने नहीं होते हम। जब तक लगन पूरी नहीं लगी, बाबा से पूरी प्राप्तियाँ नहीं हो सकती। फिर हम कहें मेरी रक्षा हो, बाबा की मदद मिले, बाबा की टचिंग मिले, तरसते रहते हैं। अमृत वेला भी उठेंगे, दो झुटके मार के पूरा कर देंगे, फर्ज अदाई करते रहेंगे ज्ञान योग की। जो पूरी प्राप्ति होनी चाहिए हो तब जब राजयोग का फार्मूला पूरा करो। देह भूल, देहधारी भूल, अपने को आत्मा समझ। मुझ एक बाप से दिल की लगन लगा, याद कर माना क्या, दिल की लगन लगा। तो उसके लिए अभ्यास करो, क्योंकि परम सत्य है कोई देहधारी आपके काम अंत में आएंगे, अकेले आए अकेले जाना। रादर सबका ये अनुभव ज़रूर होगा, जिन रिश्तेदारों के लिए जितना हमने ज़्यादा किया, खून पसीना लगाया, क्या हुआ, वो बहुत काम आए, बहुत उन्होंने हमारे किए का एहसान माना, या उन्होंने ही अंगूठा दिखाया, उन्होंने ही धोखा दिया, उन्होंने ही हमको ठुकराया। तो ये विधि का विधान है, गीता में भी लिखा हुआ, हे अर्जुन, देहधारी दुखदाई, देहधारी धोखादाई, जिस देहधारी से प्रीत लगाएंगे, लॉ प्रकृति का भी नियम, ज्ञान का भी नियम, जिस देहधारी से दिल लगाएंगे, आज नहीं तो कल दिल तोड़ेगा जरूर, धोखा मिलेगा जरूर। लॉ अंडरलाइन करके लिख लो, आजमाई हुई बात है, लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस भी है, आप सबका भी अनुभव होगा। या तो वो देहधारी को खुद कुछ हो जाए तो भी गया दूर, अब रोते रहो, या वैसे धोखा दे जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा है, माम एकम शरणम ब्रज, एक मेरी शरण में आओ बच्चे, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, गारंटी भगवान उवाच। एक मुझे याद करो, मैं तुम्हारे पिछले सब जन्मों के पाप धो दूंगा, गारंटी। इस जन्म के पाप भी सच सुना दो, आधे माफ कर दूंगा, आधे के लिए मदद दे दूंगा। ऐसा भोला भगवान मिला, और क्या चाहिए, कितना उसको रियायत दे रहा है, कितना चाहो लूट लो। तो इसलिए इस फॉर्मूला पर काम करो। हमको कई बार बड़ी सोच चलती है कि हमारे बहुत ब्राह्मण भाई बहने मेहनत बहुत करते हैं, पर जो अवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। इतनी लंबी लंबी क्लासों में बैठते, बैठियां करते हैं, बाहर जाके देखो वैसे के वैसे होते हैं, क्या हुआ, घड़े को नल के नीचे रखा था, इतनी देर भरा क्यों नहीं, ये सुराख है, सुराखों वाले घड़े कैसे भरेंगे,
इसलिए अब सुराख बंद करो, ये मैं मेरा की कहानी उलट गई है, जो भगवान उवाच है उससे उलट गई है। मैं आत्मा था, मैं फलाना फलाना कर दिया गंगा राम जमुना दास, मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा है, मेरे भी बहुत सारे कर दिए, किसी भाई बहन से अलग मिलो, थोड़ी प्रॉब्लम है दीदी बात करनी है। अच्छा, हर एक की प्रॉब्लम में एक मेरे की कहानी होती है, सिर्फ उसका वो मेरा का फेरा मिट जाए तो प्रॉब्लम खत्म। दिल से अगर पकड़ लेवे मेरा बाबा तो बैठ बैठ प्रॉब्लम पूछनी नहीं पड़े। बाबा को मेरा किया नहीं, वो पुराने युगों वाले मेरे मेरे ऐसे कस के पकड़े हुए हैं और वो मीत बने नहीं हमारे, वो हमारे काम आते नहीं। तो इसलिए राजयोग की पहली अवस्था है मैं कौन। मैं एक शुद्ध आत्मा, मैं एक शक्तिशाली आत्मा, आत्मा आत्मा भाई भाई, मेरा फलाना आत्मा, मेरी फलानी आत्मा। धुन लगाओ, इस धुन लगाने के लिए बोलना कम करो, खाना कम करो, सोना कम करो, सुनना कम करो, देखना भी कम करो, खर्चे भी कम करो, सारा कुछ घटाओ। सोना घटाओ, नींद घंटे कम करो, खाना कम करो, बढ़ाओ मत, बीमारियां भी घट जाएंगी। ज़्यादा बीमारियां ज़्यादा खाने से आती है कि कम खाने से? सबको पता है ज़्यादा खाने से। अनाज खाना कम करो, फल सब्जी ज़्यादा खाओ, सलाद खाओ, स्वादों के पीछे न जाओ, तला वला तो छोड़ दो, छोड़ दो, क्योंकि उससे दिमाग भारी होता है, आत्मिक स्थिति में जा नहीं सकता है। कम करो, खाना कम करो, देखना कम करो, भी चल रहे होते हैं यहाँ वहाँ ज़्यादा देखते हैं, यहाँ से खड़े होंगे ना जाना बाहर, एक दूसरे को देख रहे होते। यहाँ मैंने देखा एक माता वहाँ से आ रही है दरवाजे से, दूसरी वहाँ बैठी, ऐसे ऐसे किए जा रहे, मेरे ही पास आके बैठ, इतना हॉल खाली पड़ा, किसी कुर्सी पे बैठ जाएगी क्या हो जाएगा। देहधारी है ना तू, मेरे साथ में तेरे साथ ना भी होगा क्या हो जाएगा, क्यों एक दूसरे की पूंछ बनते या बनाते हैं, जरूरत है क्या? तो ये आंखें भटक गई है, कोई चमड़ाधारी साथ चाहिए, कोई मेरी पूंछ या मैं किसी की पूंछ। कहेंगे हाय अकेले जाना है, वैसे कहेंगे बाबा साथ है। अच्छा लो, फिर कैसा वाला साथ है वो पता नहीं, कैसा वाला साथ है। यहाँ से कमरे तक भी रास्ते पूछने हैं क्या एक दूसरे से? नहीं, एकला चलो रे। अब यहाँ तो सबने वाइट पहना है, घरों में यहाँ वहाँ होते हैं, बाबा का बच्चा बन के बीके बन के दूसरों के कपड़े गहने पर्स जूते पूछते रहते, कहाँ से लिया? बूढ़ी माता नई बहू रानी के कपड़े भी पूछती रहेगी कि तुम्हें क्या लेना देना। आंख भटक गई है बाहर, इसको अंदर करो, आंखों को अंदर ले जाओ, कम देखो, सब कुछ न देखो। किसी के घर गए बीसों चीज देख के पूछ के आ जाते हैं, ये पर्दे कहाँ से लिए, कितने के आए, क्या जिंदगी बना दी है। आंख भटक गई है, कान भटक गए हैं, बात कोई दो कर रहे हैं, तीसरा खामखा सुन के टाइम वेस्ट करके बीच में आगे बोल रहे हैं, क्या जरूरत है। ट्रेन में दो भाई आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे को गुस्से में बोला चुप कर जा नहीं तो मैं तेरे 34 के 34 दांत तोड़ दूंगा। तीसरा सुन रहा था,
वो कहते भाई दांत तो 32 होते हैं, 34 कैसे तोड़ेगा। कहते मुझे पता था तू बीच में जरूर बोलेगा, तो 32 इसके दो तेरे तोड़ूंगा। हम रोज देखते हैं क्लास के बाद कोई आए दो चार जिन्होंने बात करनी होती है। अब एक कोई अपनी बात कर रहे हैं, दूसरे ऊपर चढ़ के ध्यान से सुनेंगे, मैं जवाब दूं ना दूं वो देने लग जाएंगे। अरे भाई दूसरे के घर की कहानी, तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी तुम घुस रहे हो बीच में, अपने घर की कहानियां तो निपटा लो। अपनी निपटी नहीं, दूसरे की कहानी में घुस रहे है। कोई कोई ऐसे होते रोज कहना पड़ता है आप जरा वहां बैठ जाइए ना, नहीं नहीं हम सुन नहीं रहे दीदी, नहीं आप बात करो। अरे भाई तुम वहां बैठो, उसके घर की कहानी है, फिर बीच में बोलेंगे। ये क्या है, ये मुंह गड़बड़ हो गया, ये कान गड़बड़ हो गए हैं, बिगड़ गए हैं सारे लोग। इन इंद्रियों को डांटो रोको। अगर आत्मा समझ बाप को याद करना है, देह भूलनी है, देहधारी भूलने हैं, तो लिस्ट लिखो। खाना कम, सारा दिन खाऊं खाऊं नहीं, दिन के 3 बार भोजन के निश्चित कर दो, 2 बार जो चाय पीते निश्चित फिक्स। ये नहीं ये उठाया ये खाया ये उठा, नो मनुष्य देवता बनने वाले हमें, नियम पाबंदी से विधिवत प्लेट आगे रख के बाबा को याद करके ऐसे भोग लगाते हैं। यूं थोड़े उठा चला खाया, नो संयम चाहिए इंद्रियों का, तब देह भूलती है। खाना कम, बोलना कम, सुनना कम, जो बात मेरे काम की नहीं उससे मेरा कोई काम नहीं। सुनना कम, देखना कम, सोचना कम। बात दूसरे के घर की सोच में रही हूँ, क्या जरूरत है, अपनी कहानी तो पूरी खत्म करो, अब घर जाना है। दूसरे की कहानियों की चक्की क्यों घोट रहे हो बैठ के, सिमटो। राजयोग की पहली अवस्था ही तब आती है जब मन बुद्धि सिमट जाए। मैं जब योग में बैठती हूँ ना, क्या करती हूँ, एक बात सोच के मैं शुद्ध आत्मा हूँ सोचना छोड़ देती हूँ, फिर आत्मा देखती हूँ, छोटी सी बिंदी पवित्र किरणें, और फिर देखती हूँ यहाँ से कोई आवाज़ें ना आए। इसके अंदर बहुत कुछ रिकॉर्ड होता है, कहीं खुजली, कहीं सर्दी, कहीं गर्मी, कहीं भूख, कहीं प्यास, कहीं इसकी उसकी सुनी देखी बातें, कुछ भी आने लगेगा उसको ऑर्डर करती हूँ, चुप, सिर्फ बिंदु, शांत। शांत बोल के छोड़ दिया, अब शांति का टेस्ट करती हूँ, शांत आत्मा। बीच में कोई आवाजें आती आने नहीं देती हूँ, गेट आउट, फुलाना ये वो सो, चुप, शांत आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, ये उतर गया, ये अनीता वनीता नहीं, बिंदु किरणे फैला रहा हूँ, ये खत्म हो गया, अमर सितारा हूँ, परमात्म रचना हूँ। फिर देखती हूँ जैसे अंदर आत्मा वाली आँख से, आत्मा बन के उस आँख से देखती हूँ, सूरज चांद सितारों से पार, बुद्धि जाए वहां तक, परम धाम। दौड़ना नहीं होता योग में, मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, चमकता सितारा हूँ, आँखों से देखती हूँ, कानों से सुनती हूँ, मुंह से बोलती हूँ, वो कुछ हुआ ही नहीं। फिर कहते मैं सारा योग बोल लेती हूँ, कुछ होता तो है नहीं, क्या होना उससे। टिक करके अंदर की आंख से देखो, मन सोचता है, बुद्धि देखती है, तो बुद्धि की आंख से देखना है आत्मा, मन ने बोला,
बुद्धि ने देखा सितारा, जैसे मन ने बोला केला, बुद्धि ने केले की फोटो बना दी। मन ने बोला बाजार, बुद्धि ने बाजार की फोटो बना दी। ऐसे ही मन बोले आत्मा, बुद्धि फोटो बनाए, ये हूँ मैं परम धाम। तब तक आगे ना चलो जब तक फोटो ना बने। ये कोई रट्टा तोता नहीं है, रट्टू तोता, कि रटा रटाया योग बोल दिया आपने, मंत्र थोड़ा ये जप दिया, नहीं, उसमें जीना है, उसका रूप बनना है। तो पहला कदम है मैं कौन, दूसरा कदम है मेरा कौन, मेरा बाबा। बाबा में भी एक बाबा परम धाम में है, दूसरा बाबा सूक्ष्म वतन में है, संगम युग पर दोनों कंबाइंड हैं। जैसे ही मैं बिंदु होती हूँ तो बिंदु के साथ दो अवस्थाएं और जुड़ती हैं, एक फरिश्ता अवस्था है, दूसरा बीज रूप अवस्था है। फरिश्ता अवस्था में हम बाबा के साथ सारे संबंधों का अनुभव किया करते हैं, सब प्रकार की बातें किया करते हैं, रूह रिहान किया करते हैं, साथ का अनुभव करते हैं, क्योंकि फरिश्ता माना लाइट के शरीर में ब्रह्मा बाबा और उनके मस्तक में शिव बाबा, संपूर्ण फरिश्ता सूक्ष्म वतन के बादलों पर है। सूक्ष्म वतन हमारे लोक से नज़दीक है, यहीं से सूरज चांद सितारे जहाँ ख़त्म होते हैं वहाँ सफ़ेद चांदी के बादल बादल बादल, वहाँ ब्रह्मा बाबा फरिश्ता चम 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 तेज पवित्र लाइट, नीचे भी आ जाता है, फिर नीचे सूक्ष्म वतन फील होता है। तो फरिश्ता से मिलन मनाने के लिए खुद को भी फरिश्ता फील करना है, अपना शरीर भी लाइट 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 महसूस करना है। हड्डी मांस नहीं है, ये लाइट के अंग हैं सारे, इनके बीच में मैं बिंदु हूँ। चाहे लगे फरिश्ता बाबा नीचे आ गया, चाहे लगे मैं ऊपर चला गया, कभी फरिश्ता बाबा का हाथ पकड़ के समुद्र के किनारे घूमो, कभी किसी पहाड़ी पर बैठ जाओ, कभी बाबा का हाथ पकड़ के बादलों में घूमो, कभी बाबा को माँ बना लो, कभी दोस्त बना लो, कभी भाई बना लो, कभी साजन बना लो, कभी बच्चा बना लो। ये सारे अनुभव भी तब होते हैं जब पहले आत्मिक स्थिति का अनुभव ठीक किया होता है, नहीं तो बीच में मेल फीमेल की फीलिंग आ जाएगी। फिर एक नई माता, ज़्यादा नई भी नहीं थी, उसने सुना ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते थे, गोदी लेते थे, हैरान, गोदी लेते थे। पुरुष तन में अगर बहने जाएंगी तो, अरे जहाँ परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप और आत्मिक स्थिति में, तो वो अनुभूतियाँ क्या जादू की विदेही अवस्था की होती हैं। तब तक नहीं कैच होती हैं जब तक अपना शरीर का स्त्री पुरुष का भान है। ऐसा आत्मिक स्थिति फील हो जो ये शरीर स्त्री का लगा है कि पुरुष का, सोचना पड़े, भूल जाए, तो वो प्रैक्टिस से होता है, उसके बिना नहीं होता। इसलिए इस प्रैक्टिस पर टाइम देना है, लगन देनी है, तब इतने बढ़िया अनुभव होते हैं, जिसके लिए कहते हैं अनहद नाद बजता है। गोप गोपियाँ दीवाने हो गए, अरे कृष्ण के लिए थोड़े दीवाने हुए थे। गो होता है इंद्रियाँ, पी मतलब पी जाना, गोपी कौन, जो अपनी इंद्रियों को भूल गई, आत्मा हो गई, वो परमात्मा के प्यार में दीवाने हुए। गोप गोपियाँ बनो, स्त्री पुरुष के भान से भी ऊपर, तभी दुनिया वाले कहते हैं अरे ब्रह्मा कुमारियों के नहीं जाना, वो पति पत्नी को भाई बहन बना देंगे, घर बार छुड़ा देंगे,
अब यहाँ वालों को कुछ लगता ही नहीं है कि हमने कुछ छोड़ा भी है। यहाँ नई नए युगल नई नई शादी हुई होगी, पवित्र रहते हैं। पूछो मेहनत लगती है ना, कोई जीवन में बोझ लगता है ना? अरे मौज हो गई। क्यों? वो आत्मिक भान आ गया तो ब्रह्मचर्य सहज हो गया। अब उससे ऊपर की फीलिंग है, स्त्री पुरुष का भान निकल जाए उसके बजाय आत्मिक भान। तो ये वो अभ्यास है जो आप न मरिए स्वर्ग न जाइए, अपने आप से खुद करने पड़ते हैं। अपनी घोट तो नशा चढ़े, इसलिए ना रूहानी आत्मिक स्थिति जैसे आत्मा बिंदु एकदम न्यारा, देह जैसे कि पांच तत्वों में मिल गई, ऐसी फीलिंग आए। रोज दिन में 8, 10, 15 बार बैठो और बैठ करके दो हो जाओ। एक शरीर सामने बैठा है जो अपूर्ण है, बीमारियां हैं जिसके अंदर। एक यहाँ हूँ मैं जिसमें आत्मा तेज चमक रही है। संपूर्ण देहभान से मुक्त हूँ, बाबा की किरणों के नीचे हूँ। और सामने जो अपूर्ण शरीर है उसको लाइट दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। उसका अंग अंग ठीक हो रहा है, उसकी बीमारियाँ ठीक हो रही हैं, उसके विकार ठीक हो रहे हैं। रोज़ 15 मिनट ये वाला अभ्यास ज़रूर करो। और देह भान उतारने में सबसे बड़ा विघ्न है हमारे किए हुए विकर्म, चाहे पास्ट के चाहे अभी के। तो रोज़ शाम को बाबा को एक लेटर लिखो, कोई गलती हो जाए माफ़ी मांगो, कुछ अच्छा हो गया बता करके अपना अभिमान उतार दो ताकि लगे बाबा ने कराया मैंने नहीं किया। और अपना स्लेट साफ करके रात को हल्के होके सो। अटेंशन बहुत रखना है कि अभी मुझ आत्मा से और कोई भी कर्म ना हो, क्योंकि विकर्मों की मैल फिर उड़ने नहीं देती है। तो फरिश्ता होके फरिश्ता बाबा से मिलन मनाना, वो फरिश्ता स्थिति है। फिर आत्मा होके परमात्मा ज्योति बिंदु से परम धाम में मिलन मनाना, और उस मिलन में ऐसा खो जाना जो लगे बस बिंदु बिंदु की किरणों के नीचे और उसके सब गुण शक्तियाँ मुझ में समाते 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 मैं आत्मा भी उनके जैसा रूप बनती जा रही हूँ, बनती जा रही हूँ। और फिर सारे संकल्प ठहर जाएं, एक संकल्प लंबा एकाग्र और परमानंद की फीलिंग में चले जाएं, वो है बीज रूप अवस्था। वो बाकी आत्मिक स्थिति और फरिश्ता स्वरूप के अभ्यास से आती है मुख्य रूप। अच्छा योगी बनने के लिए अब सारी इच्छाओं को समेटो, सारी कामनाओं के दरवाजे बंद करो, सिर्फ एक कामना भड़का लो कि मुझे नंबर 1 तपस्वी बनना है, मुझे बाबा के दिल पसंद बच्चा बनना है जिसको भगवान याद करे, मुझे विजयी बनना है, मुझे माया जीत बनना है, मुझे प्रकृति जीत बनना, मुझे बाबा की सिमरणी का मन का बनना, बाबा जिसको याद करे ऐसा बनना। धुन, ये धुन ही हमारी सब समस्याओं का उत्तर है, हमारी अवस्थाओं को आगे बढ़ा सकती है। ठीक है, समझा समझा? भट्टी में क्या करना है समझा? इसी से ही आपके परिवारों का कल्याण है, क्योंकि परिवारों में भी समस्याओं का कारण हमारी दैहिक स्मृतियां हैं, हमारे देह और देह के संबंधों की खींचतान है, इच्छाओं का अटैक है। अपनी इच्छाएं घटाओ तो घर भी स्वर्ग बन जाए, घरों को शांति कुंड बनाओ, घरों को तपस्या कुंड बनाओ,
घरों में मम्मी पापा बेटा बेटी न बने रहो, घरों में भी राज योगी राज ऋषि तपस्वी प्रसिद्ध हो जाओ। कैसे घरों में सन्यासी होते हैं दुनिया को दिखा दो। इसलिए बार बार कह रहे हैं इच्छाओं के दरवाज़े बंद करो। कोई इच्छा आपको सता रही है, अंदर भटका रही है, आज बाबा को दान कर दो। बस बाबा आप मिले और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट ऐसा है जिस पर कई प्रश्न भी होंगे आपके, कल एक प्रश्न उत्तर सेशन होगा, तो योग के अच्छे प्रश्न लिखना तो उसके उत्तर उसमें दिए जाएंगे। चलो 2 मिनट बाबा की याद में, फिर छोटा सा ब्रेक होगा। उस ब्रेक में आप सिर्फ यहीं तक बाहर जाना, उधर रोड पे बहुत ज़्यादा धूप है, वॉशरूम्स भी इधर ही हैं, आपके लिए पानी का प्रबंध भी यहाँ किया गया है ब्रेक में, और वापस यहीं आके बैठना। कमरों तक ना जाओ तो अच्छा है, ताकि धूप से बचे रहो, फिर प्रेम दीदी क्लास कराएंगे। चलो 2 मिनट बिल्कुल बिंदु बनने का जोर लगाओ, सारे तरफ से ध्यान हटा के, मैं एक शुद्ध आत्मा, चारों ओर पवित्र किरणें फैला रही हूँ। ध्यान से देखते हैं अपने पवित्र स्वरूप को और पवित्रता के सागर की किरणों की बरसात महसूस करते हैं। तपस्वी वही जिनके अंग अंग हो शीतल, मुख मधुरस छलकाए, नैन सुधा वर्षाए, मुख मधुरस छलकाए।